दोस्तों आई एम सॉरी, फिर से चालू हो गया है पंगा। आप सबको पता है, मैंने पिछले रील में भी बताया था कि जो भी करना है जल्दी करो। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हो या फिर अमेरिका की, इमिग्रेशन को लेके जो भी लॉज होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो कभी भी चेंज कर देती है, ओवरनाइट चेंज कर देती है। कल था 7 अप्रैल 2024 और कल ही अनाउंसमेंट कर दिया कि ये रूल्स आज से ही लागू पड़ जाएंगे। आज से मतलब रात को 5-6 बजे रूल आया था और उसने बोला कि सुबह भी किसी ने कुछ किया है तो उसको भी ये नया रूल अप्लाई होगा। देखो, मेरा काम है ना वीज़ा कंसल्टेंसी का है और मैं स्टूडेंट वीज़ा ही करता हूँ, बट मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती रहे। तो जो भी अपडेट्स आते हैं मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए या फिर आप मेरा कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। सो आज से ये 3 रूल अप्लाई होने वाला है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ये 3 अनाउंसमेंट किया है। अगर आपको ओवरव्यू चाहिए तो ये है कि जितने भी बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की जॉब के बाद पीआर लेने की सोच रहे थे, उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। बट ये वीडियो अभी काम नहीं करने वाला है क्योंकि ये रूल चेंज हो चुका है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, एक्रेडिटेशन एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे जितने भी लोग आए थे उसके पास चांस था कि अगर आपको 5 साल के वीज़ा नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 3 साल के वीज़ा है, उसको आप एक्सटेंड करवा पाओगे और उसको 5 साल के कर सकते हो। अभी इसके बाद, आज के बाद जितने भी लोगों का ये वीज़ा आएगा उसका 3 साल का ही आएगा, उसको एक्सटेंड करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, बाद में बात करते हैं लॉन्ग स्टोरी में। तीसरा ये था, पहले क्या था, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसने 5वीं फेल है 10वीं फेल है फिर भी न्यूजीलैंड आ जाते थे। रीज़न क्या था कि रूल्स बहुत ही लिबरल थे, आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं थी, वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप 5 साल के वर्क वीज़ा लेके आ सकते हो। उसमें भी चेंजेस आए हैं, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बस एंड ट्रक ड्राइवर की। पहले क्या था, अगर आपने 2 साल बस चलाई, ट्रक चलाई या फिर टो बार का जो लाइक टो वाला जो ट्रक होता है वो चलाया, या तो फिर आपने जो बड़ा टैंकर आता है, जो पेट्रोल और डीजल का जो टैंकर आता है, उसको 2 साल चलाया, तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी, जिसको बोलते थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर वर्क एग्रीमेंट समथिंग कुछ था। ओके, अभी ऐसा नहीं रहेगा। अगर 7 अप्रैल 2024 के बाद अगर आपको ये जॉब मिली है तो आप रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप 7 अप्रैल 2024 से पहले ये जॉब कर रहे हो तो आपको वर्क टू रेजिडेंसी में एलिजिबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, आपको पीआर नहीं मिलने वाला है विथ दिस जॉब। अब बात करते हैं कि किन लोगों का एक्रेडिटेशन एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होगा और किसका नहीं होगा। अगर आपने 21 जून 2023 से पहले एक्रेडिटेशन एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा अप्लाई किया था और आपकी जॉब एनजेस को लेवल 4 और 5 में आती है और आपका वेजेस भी वही है, तो आपको 3 साल का जो वीज़ा है वो उसको एक्सटेंड नहीं करवा पाओगे। आई थिंक इस पॉइंट में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मुझे नया वीडियो बनाना पड़ेगा, और अगर समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको नया वीडियो बना के दे दूंगा। ये जो रूल है वो चेंज नहीं हुआ है कि अगर आप रेजिडेंस के पाथवे पे हो, जैसे कि आप मैनेजर की जॉब पर हो, बट आपका जो पे जो है वो कम है, बट आपको लगता है कि अगर मैंने 3 साल जॉब कर ली और आपका पे बढ़ जाएगा और आपको रेजिडेंसी मिल सकती है, तो आपको लिए आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। 3 साल का है वो 5 साल का हो जाएगा और 5 साल के बाद भी आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, बिकॉज यू आर ऑन द पाथ टू रेजिडेंस। तीसरा जो अपडेट आया है वो ये है, ये जो मैंने वीडियो बनाया था ना, ये आपने देखा ही होगा, इस वीडियो में मैंने क्या कहा था, कोई भी आपके पास जॉब है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, क्वालिफिकेशन है या नहीं है, सबको मिलता था 5 साल या फिर 3 साल का वर्क वीज़ा। अभी उसको चेंज कर दिया है। अभी हुआ क्या कि बहुत सारे लोग इंडिया से यहाँ पे आए थे, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसको इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती है,
और क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है इसकी वजह से वो लोग एम्प्लॉयर के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप गवर्नमेंट के पास जाके क्या कंप्लेंट क्या करोगे, पुलिस के पास जाकर क्या कंप्लेंट करोगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मिनिमम थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। मेरे पास कई लोग ऐसे भी है जो हेयर कटिंग की जॉब पे आए थे और उसके बाद हेयर कटिंग की जॉब पे आपको $30 पर घंटे का मिलना चाहिए। अब एम्प्लॉयर जो था वो दे नहीं रहा था, वो 30 घंटे काम करवाता था और $500 पे करता था, कैसे चलेगा लाइफ न्यूजीलैंड में वो भी। और वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं थी। इसीलिए अभी नया रूल ये आया है कि अगर आपको यहाँ पे आना है आ जाइए, बट ये थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे कि आइल्स में आपके पास 4 बैंड होने चाहिए या फिर पीटीए में 29 पॉइंट्स होने चाहिए। वो जहाँ तक तो मुझे भी पता है कि आप पीटीए के एग्जाम में कुछ नहीं आता है ना, वहाँ पर जाके बैठते भी हो और थोड़ा कुछ लिख के भी आते हो ना तो भी 35 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। दैट्स वाई अब से आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, 4 बैंड इन आइल्स एंड 29 बैंड इन पीटीए और पॉइंट्स। दूसरा, दो में से एक चीज आपके पास होनी ही चाहिए। पहला है वो एक्सपीरियंस। आपके पास अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे आना चाहते हो तो मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो नहीं है कोई बात नहीं, आप न्यूली ग्रेजुएट हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन आना चाहिए। फिर जिस कंपनी में आप जाने वाले हो या फिर जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है वो उसका हेडेक है कि वो आपके पास सारे एविडेंस वगैरह मांगेगा एक्सपीरियंस के लिए और क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, बट आपका वीज़ा हो जाएगा। बट ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या तो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश। अब से यानी कि आज से जिसको कुछ नहीं आता है वो न्यूजीलैंड में नहीं आ पाएगा ऑन दिस वीज़ा। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।